हेलो दोस्तों, ट्रेड अल्फा से मैं सपना आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज पेनी स्टॉक, क्यों अधिकतर लोग इनमें निवेश करना पसंद करते हैं। सो सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पेनी स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो बहुत ही कम प्राइस पर ट्रेड करते हैं और इनका मार्केट कैपिटल भी बहुत कम होता है। पेनी स्टॉक जनरली 20 रुपये या उससे कम वैल्यू के होते हैं। अब समझते हैं कि पेनी स्टॉक इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इन्वेस्टर है, उसके पास 10,000 रुपये हैं और उसके पास दो ऑप्शन हैं। एक है 5 रुपये का शेयर और दूसरा है 1,000 का शेयर। 5 रुपये वाला जो शेयर है उससे 10,000 में 2,000 शेयर खरीदे जा सकते हैं, लेकिन 1,000 रुपये वाला शेयर 10,000 में केवल 10 शेयर ही खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ एक रीज़न है कि लो प्राइस को देखकर इन्वेस्टर पेनी स्टॉक को बाय करने का सोचता है। कुछ इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि पेनी स्टॉक सीक्रेट वे है रिच बनने का, वहीं कुछ इन्वेस्टर मानते हैं कि पेनी स्टॉक में पैसा लगाना डायरेक्ट लॉस है। अगर एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह सही हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ बातें जान लेनी चाहिए। तो पहला है लो वॉल्यूम मींस लो लिक्विडिटी। जनरली पेनी स्टॉक लो वॉल्यूम पर ट्रेड करते हैं, मीन कि जब आप किसी शेयर को बाय करते हैं और किसी अच्छे रेट पर शेयर को बेचना चाहते हैं तो हो सकता है आपको कोई बायर ही ना मिले। इसीलिए ऐसे पेनी स्टॉक को बाय करें जहाँ हाई वॉल्यूम हो। सेकेंड थिंग है अपर एंड लोअर सर्किट। जनरली पेनी स्टॉक में अपर एंड लोअर सर्किट 5-10% का होता है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको ये जानना जरूरी है कि आप कम समय में पैसे को डबल नहीं कर सकते। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो ब्रोकर या प्रमोटर इजीली स्टॉक का प्राइस मैनिपुलेट कर सकता है। तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस बिना किसी न्यूज़ के अपर सर्किट पर जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये स्टॉक मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो लास्ट में हम ये एडवाइस देना चाहते हैं कि पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना हाई रिस्क है। तो अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च करें और उसके बाद ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो ये थी पेनी स्टॉक के बारे में बेसिक डिटेल्स। आपके पोर्टफोलियो में कौन से पेनी स्टॉक शामिल हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।